यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जो वीडियो दिख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं आप सब लोग बेटर। ओके, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने जो है वो अभी T20 सीरीज जो है वो स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर हम लोग जो है वो डेली डिस्कशन करते हैं हमारे पेपर नंबर वन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, जिसके अंदर ऑलरेडी 7 लेक्चर हम लोग लगा चुके हैं और आज का हमारा 8th लेक्चर है किसके ऊपर, रिसर्च के ऊपर। तो लास्ट क्लास में हमने 20 क्वेश्चन रिसर्च के जो है वो डिस्कस किए थे और आज की क्लास के अंदर भी हम लोग जो है वो 20 क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड के जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आइएगा हम लोग शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को, जिसका नाम है रिसर्च एप्टीट्यूड के इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चंस। ओके, हाँ जी सर, तो आज की अपनी एमसीक्यू सीरीज का सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ रहा है जी, वो है ये क्वेश्चन, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, इनमें से कौन सी टर्म एक्सप्लेन करती है द आइडिया डेट नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। ये आपको चार टर्म दे रखी है, रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म, लॉजिक एंड डिडक्शन। इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो इस बात को जो है सपोर्ट करती है कि नॉलेज कम फ्रॉम एक्सपीरियंस, नॉलेज जो है वो कहाँ से आती है, एक्सपीरियंस से। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म एक टर्म है जिसको बोलते हैं अनुभव, जो एक टर्म है जो ये बोलती है कि नॉलेज जो है वो बादाम खाने से नहीं, नॉलेज आती है क्या करने से, एक्सपीरियंस से। कैसे, एक्सपीरियंस से। तो इसको बोलते हैं हम लोग ना हिंदी में, इसको बोलते हैं क्या, अनुभववाद। अनुभव, अनुभव के साथ में, एक्सपीरियंस के साथ में जो है वो नॉलेज आपकी जो है वो एनरिच होती रहेगी। ओके, सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या है, व्हाट डू यू कंसीडर एज अ मेन एम ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिन मतलब एक डिसिप्लिन में नहीं, कई डिसिप्लिन में जो रिसर्च करते हैं हम लोग। डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि अलग अलग एरिया, इंटरडिसिप्लिन का मतलब डिफरेंट डिफरेंट एरिया, डिफरेंट डिफरेंट एरिया। जब आप डिफरेंट डिफरेंट एरिया में जाके रिसर्च करते हैं, इसका मतलब आप जो है वो कंप्लीट पिक्चर चाहना चाहते हैं, कंप्लीट पिक्चर जानना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं होलिस्टिक। हर जगह पे जा करके जो है वो क्या करना, रिसर्च करना, डेट इज नोन एज होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी एक कॉन्सेप्ट के हर एक एरिया को, हर एक उसकी डोमेन को हम लोग क्या करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, होलिस्टिक अप्रोच। तो बोलते हैं व्हाट डू यू कंसीडर एज अ मेन एम, जो मेन एम है किसका, इंटर डिसिप्लिनरी इस रिसर्च का, तो वो क्या है जी आपका, टू ब्रिंग आउट द होलिस्टिक अप्रोच। ओके, थर्ड क्वेश्चन आज का, मैच द फॉलोइंग टू लिस्ट, इनमें से जो है वो आपको दो ये लिस्ट दे रखी है, इसको आपस में क्या करना है, मैच करना है। सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे दे रखा है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है जब हम करते हैं तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे बेसिकली रिलेशन मेंटेन करते हैं किसके बीच में, दो अलग अलग वेरिएबल के बीच में, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में, और कुछ वेरिएबल जो एक्सटर्नल नेचर के वेरिएबल है उनको हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल का मतलब तो हो गया क्या, कंट्रोल। बात करूंगा हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल डेटा को जो है जब हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म। ये मैंने लिखा है यहाँ पे, इवेल्युएशन ऑफ हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकल डेटा या इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट करना इज ऑफन रेफर्स टू एज अ हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म। क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म। ओके, केस स्टडी में क्या करते हैं सर, केस स्टडी में जाके हम लोग इंटेंसिवली जो है वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो केस स्टडी रिलेटेड है किससे, इंटेंसिव, एंड एथनोग्राफी, ये तो हमने पहले भी किया था, ये किससे रिलेटेड है, इंटरप्रिटेटिव। तो इसका आंसर जो बनेगा करेक्ट वो क्या, डी। चलो जी आगे, वन ऑफ द एम ऑफ द साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च। देखो, साइंटिफिक मेथड जो है रिसर्च करने का, मतलब आप नॉर्मल मेथड भी लगा सकते थे, बट आपने जो है वो क्या किया, रिसर्च करते हुए साइंटिफिक मेथड्स को जो है वो क्या किया, रिसर्च में एम्प्लॉय किया। क्यों किया ऐसा, क्योंकि आप एक्चुअल रिलेशन दो वेरिएबल के अंदर जानना चाहते हो, जो झूठ मूठ के जाली रिलेशन होते हैं बेसिकली, जो रिलेशन एक्चुअल में एग्जिस्ट भी नहीं करते, हम उनकी जो है वो जांच करना, मतलब उनको हम क्या, दूर करना चाहते हैं। तो क्या बोलते हैं, वन ऑफ द मेन एम, साइंटिफिक मेथड का जो मेन एम है ना वो क्या है, इस टू एलिमिनेट करना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं किसको, स्पूरियस रिलेशंस को, वो सारे रिलेशन जो जाली नेचर के हैं, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, नकली रिलेशन जो होते हैं ना, तो उनको मतलब दो अलग अलग वेरिएबल में जो नकली से रिलेशन है, देखने में लग रहा है हाँ शायद रिलेशन है, जबकि रियल में जाके देखो तो कोई रिलेशन नहीं है, तो इनको हम क्या करना चाहते हैं, अपनी स्टडी से एलिमिनेट करना चाहते हैं, क्योंकि ये बेफालतू हमारी स्टडी का जो रिजल्ट है उसको क्या कर देंगे, खराब कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा कि साइंटिफिक मेथड जो है रिसर्च में लगाते हैं तो उसको क्यों लगाते हैं, एलिमिनेट करने के लिए स्पूरियस रिलेशंस को। चलो जी आगे, When a researcher start, जब एक researcher start करता है with the dependent variable से, अब ये ध्यान से सुनना, जब एक researcher start करता है किससे, dependent variable से, and move backward और वापिस आता है, तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं retrospective। क्या बोलते हैं, retrospective। दो चीज होती है, देखो मैं खड़ा हूं आज, मैं कब, आज, अगर मैं पास्ट के बारे में, पास्ट में जाता हूं, आज खड़ा हूं पास्ट में जाता हूं,
और आज खड़ा हूं फ्यूचर में जाता हूं, दो बात हो सकती है, मैं खड़ा हूं आज, ठीक है। अगर मैं जाऊंगा पास्ट में, तो पास्ट में जाना इसको बोलते हैं आप लोग क्या, रिट्रोस्पेक्टिव, क्या बोलते हैं, रिट्रोस्पेक्टिव। और अगर मैं आज खड़ा हूं और जाऊंगा फ्यूचर में, मतलब बात करूंगा हमेशा फ्यूचर की, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोस्पेक्टिव, क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टिव। तो बोलते हैं एक ऐसा, जब एक रिसर्चर स्टार्ट करता है विद ए डिपेंडेंट वेरिएबल से एंड मूव बैकवर्ड, और वापस चला जाए, बोले तो कहां चला जाए, पास्ट में चला जाए, तो उसको बोलते हैं इट इज नोन एज अ रिट्रोस्पेक्टिव रिसर्च। नाम पे जाना पड़ेगा, रिट्रोस्पेक्टिव पास्ट, प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर, ओके। हाँ जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। डिफाइनिंग द हाइपोथेसिस इज ए यूजफुल वे, हाइपोथेसिस को अगर हम डिफाइन कर देते तो वो एक अच्छा, एक यूजफुल हमारे लिए जो है वो वे बन जाएगा ऑफ अप्रोचिंग रिसर्च, अप्रोचिंग रिसर्च, बिकॉज क्योंकि अगर आपने जो है वो हाइपोथेसिस को एक बार अगर क्या करें डिफाइन कर दिया, तो आप उसको टेस्ट भी करते हैं। इट अलाउ द, ये अलाउ करता है अपना क्या करने में, डेवलपमेंट करने में, किसको, टेस्टेबल प्रोपोजिशन को। चलो जी आगे, तो आंसर जो था इसका वो क्या, बी। आगे, विच टाइप ऑफ मेथड, इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसको इस्तेमाल किया जाएगा टू क्रिएट ए रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड बोले तो एकदम रियल में जो हो रहा है, बोलते फील्ड, लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट, तो इसको बोलते हैं क्या, फील्ड एक्सपेरिमेंट। जब हम जो है ये क्या बोलते हैं, विच टाइप ऑफ मेथड, इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसको इस्तेमाल किया जाता है इन ऑर्डर, किस लिए, इन ऑर्डर टू क्रिएट करने के लिए ए रियल वर्ल्ड लेबोरेटरी, रियल वर्ल्ड लेबोरेटरी को क्रिएट करने के लिए। तो रियल वर्ल्ड का जो यहाँ पे मीनिंग होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फील्ड, क्या बोलते हैं, फील्ड। लेबोरेटरी के अंदर क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट, तो इस ये जो मेथड है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फील्ड एक्सपेरिमेंट। आगे नेक्स्ट आया, द कोरिलेशन बिटवीन द इंटेलिजेंस टेस्ट, अब दो अलग अलग वेरिएबल है, एक वेरिएबल है इंटेलिजेंस का टेस्ट लिया एंड ग्रेड, वो क्या क्या रिलेशन होगा, नेचुरल बात है, अगर हम, अगर जो है इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर अगर आपका स्कोर, इंटेलिजेंस टेस्ट में अगर आपका स्कोर, इंटेलिजेंस टेस्ट में अगर आपका स्कोर आएगा बढ़िया, तो बताओ अब क्या होगा, सर नेचुरल बात है अगर मार्क्स बढ़िया आएंगे तो ग्रेड क्या होंगे, अप। इसका मतलब अगर ये ऊपर तो ग्रेड भी ऊपर, और अगर टेस्ट में स्कोर क्या है, कम, तो ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव, क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव। पॉजिटिव रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जिसके अंदर जो है वो या तो दोनों वेरिएबल एक साथ बढ़ते हैं, या दोनों वेरिएबल जो है एक साथ क्या होते हैं, कम होते हैं, मतलब एक वेरिएबल के बढ़ने पर अगर दूसरा भी बढ़ जाए, पॉजिटिव। एक वेरिएबल के कम होने पर दूसरा भी कम हो जाए, पॉजिटिव। बोले तो पॉजिटिव में क्या होता है, सेम डायरेक्शन होती है, क्या होता है, सेम डायरेक्शन, एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ रहा है, एक के कम होने पर दूसरा कम हो रहा है। और जो नेगेटिव कोरिलेशन है उसमें क्या होता है, सर नेगेटिव कोरिलेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन होती है, मतलब एक चीज बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है, या एक कम हो रही है और दूसरी बढ़ रही है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, नेगेटिव। चलो जी, इसका आंसर जो है वो क्या, जो पॉजिटिव। चलो, बोलता है द वेरिफिकेशन डेट द मेथड ऑफ मेजरमेंट, जब हम रिसर्च करते हैं तो वहां पे हम अलग अलग जो है वो मेजरमेंट के टूल्स लगाते हैं, मेजरमेंट के मेथड्स लगाते हैं, तो बोलता है वेरीफाई करना किस चीज को, कि मेथड जो है किसका, मेजरमेंट का, एक्चुअली मेजर करता है व्हाट इट इज एक्सपेक्टेड टू मेजर, वही चीज जो उससे उम्मीद की गई थी कि ये मेथड ये चीज मेजर करेगा, अगर वो वही चीज मेजर करता है इसको बोलते हैं कंटेंट वैलिडिटी। हमने जब रिसर्च पढ़ा था तो उसके अंदर आपको मैंने चैप्टर नंबर 1 के अंदर जब करेक्टरिस्टिक पढ़े तो वहीं पे आपको मैंने बताया था वैलिडिटी का टॉपिक, तो उसमें आता है क्या, कंटेंट वैलिडिटी। चलो जी आगे, ए मैनिपुलेटेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक ऐसा मैनिपुलेटेड नेचर का, मैनिपुलेट मतलब जिसके अंदर क्या होता है, चेंज करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको क्या बोलते हैं, सर जिसमें लगातार चेंज करते रहेंगे तो नेचुरल बात है वो पैसिव होगा या एक्टिव होगा, एक्टिव वेरिएबल, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्टिव वेरिएबल। मैनिपुलेट मतलब जिसमें चेंज हो रहा है, तो नेचुरल बात है चेंज हो रहा है तो वो कौन सा फिनोमेना है, एक्टिव। आगे बढ़ो, Which of the following include, इनमें से कौन से में include करते हैं, example of the quantitative variable, example of किसके, quantitative variable के। अब quantitative variable जिसको quantify कर सकते हो, देखो दो तरह के, एक है qualitative, एक है quantitative। quantitative वो है जिसको compute कर सकते हो, अब एक बात देखो, जिसको mathematically लेके आ सकते हो, age, टेम्परेचर को मैथमेटिकली दिखा सकते हो, 2 degree, 5 degree, 10 degree, इनकम, हाइट, इनको दिखा सकते हो, हाँ जी, ग्रेड, पॉइंट एवरेज, एंजाइटी लेवल, रीडिंग परफॉर्मेंस, इनको दिखा सकते हो, हाँ जी, जेंडर, क्या जेंडर को आप क्वांटिफाई कर सकते हो, जेंडर में तो मेल फीमेल है या नहीं है, हाँ जी, रिलीजन बता सकते हो, नहीं, ये क्वांटिफाई नहीं हो सकता, तो आंसर क्या गया, ए एंड बी, बोले तो डी, बोथ ए एंड बी। तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल जिसको कंप्यूट कर सकते हैं, मैथमेटिकली जिसको इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, क्वांटिटेटिव। और एक होता है कौन सा, क्वालिटेटिव, जिसको मैथमेटिकली आप इसका इन्फ्रेंस नहीं निकाल सकते हो। चलो जी, 12th क्वेश्चन, रिस्पोंडिंग टू ए सब्सटेंस, एक सब्सटेंस के ऊपर क्या करना, रिस्पोंड करना, रिस्पोंड करना टू ए सब्सटेंस, लाइक ए शुगर पिल, जैसे एक शुगर पिल,
मीठी गोली कोई भी, एज इफ इट वर ए ड्रग। कई बार क्या होता है, मैंने एक बार आपको ये जब हमने पढ़ा तो ऑब्जेक्टिविटी के अंदर मैंने आपको बताया था बेसिकली, और हमने जब रिसर्च के करेक्टरिस्टिक पढ़े तो वहां पे एक था ऑब्जेक्टिविटी में प्लेसबो इफेक्ट। ठीक है, ध्यान हो अगर आपको, तो प्लेसबो इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि कई बार ना कुछ लोगों के माइंड में ना एक साइकी बन जाती है, ठीक है, और उनको ये होता है ये चीज होगी ना तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, मतलब उनके मन में एक बिलीफ बन जाता है कि यही इस चीज का जो है वो तोड़ है। जैसे कई बार क्या होता है, मैंने आपको वहां पे एग्जांपल दिया था कि अगर मान लो कोई छोटा सा बच्चा जो है और वो बीमार हो गया तो उसकी दादी जो है वो बेसिकली यही बोलेगी सीधा किसी नजर उतार दो। अब डॉक्टर जो है इस नजर वाले सिस्टम को नहीं मानते, वो बोलते हैं यार दवाई लो बात खत्म हो गई, लेकिन दादी के मन में क्या है कि अगर कुछ हुआ तो नेचुरल बात इसकी क्या करो नजर उतारो। अब ये क्या है, प्लेसबो इफेक्ट है, एक साइकी माइंड के अंदर क्या हो गई है, सेट हो गई है। तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, प्लेसबो इफेक्ट। बोले तो When people strongly want to believe a treatment is successful, जब लोग जो है वो ये मानते हैं कि ये चीज़ तो सक्सेसफुल होगी होगी, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्लेसबो इफेक्ट। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि नई दुकान खोलते हैं तो हम लोग जो है वो हवन करवाते हैं कि हाँ हवन करवाएंगे तो सब सही हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, प्लेसबो इफेक्ट, जो कि एक क्या है, छलावा है बेसिकली। चलो जी आगे, Which method is most directly associated with the lack of informed consent? मतलब ये क्या, इसमें से ऐसा कौन सा method है which directly जो जुड़ा हुआ है किसे, lack of informed consent। आपको अगर याद हो मैंने रिसर्च एथिक्स आपको पढ़ाया और रिसर्च एथिक्स के अंदर मैंने आपको बोला था कि एक गुड रिसर्च के रिसर्च एथिक्स का ये एक फीचर होता है कि जिस पर्सन से आप लोग जो है वो क्या करें डेटा कलेक्शन करें तो उसको मालूम भी होना चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इन्फॉर्म्ड कंटेंट। और अगर आप क्या करते हो, लैक कर दोगे, इसका मतलब क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन गेट कर ली लेकिन उस बेचारे को पता नहीं चल रहा है कि उसके इससे इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, तो आपने क्या कर दिया, छलावा कर दिया ना, इसको बोलते हैं कोवर्ट ऑब्जर्वेशन, कायरता से कोवर्ट ऑब्जर्वेशन, जिसके अंदर बेसिकली आप फ्रंट एंड पे आकर के डायरेक्टली ना पूछ के आप इनडायरेक्टली जो है चोरी छुपे पूछ के चले गए, डेटा कलेक्ट कर गए, तो इसको बोलते हैं क्या, कोवर्ट ऑब्जर्वेशन। तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट का टॉपिक हमने पढ़ा था रिसर्च एथिक्स में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपका ये एथिकल है, एथिकल चीज क्या है कि जब कभी भी आप किसी पर्सन से डेटा क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं, डेटा को अगर आप कलेक्ट करते हैं तो पहले आप उसको बताएं कि आप किस पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और उसकी सिक्योरिटी और उस पर्सन की जो है वो कॉन्फिडेंशियल भी मेंटेन करके रखनी होती है। लेकिन अगर मान लो आपने ऐसे ही डेटा सिलेक्ट कर लिया या डेटा कलेक्ट किया और उस पर्सन को बताया भी नहीं, उसको इन्फॉर्म्ड भी नहीं किया, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कोवर्ट ऑब्जर्वेशन। आपने ऑब्जर्व कर लिया लेकिन किस तरीके से, चोरी छुपे कोवर्ट तरीके से। चलो जी आगे, पॉपुलेशन जनरलाइजेबिलिटी, अगर हम बात करेंगे एक टर्म है पॉपुलेशन जनरलाइजेबिलिटी, इट रेफर टू पॉपुलेशन जनरलाइजेबिलिटी का जो है वो बेसिक मतलब जो है वो क्या होता है, पॉपुलेशन जनरलाइजेबिलिटी का मतलब ये होता है कि सैंपल जो है पॉपुलेशन जनरलाइजेबिलिटी, इसका मतलब सैंपल जो है वो ऐसा है जो पूरी पॉपुलेशन को जो है वो क्या करता है, डिनोट करता है। दैट मीन्स इट रेफर टू द डिग्री टू विच द सैंपल रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट, के सैंपल जो है वो पूरी पॉपुलेशन के इंटरेस्ट को जो है वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। चलो जी आगे, 15 क्वेश्चन, रिसर्च डिजाइन क्या, देखो आपको मैंने प्रोसेस बताया रिसर्च का, उसके अंदर हम लोगों ने डेटा कलेक्शन पढ़ा, डेटा कलेक्शन जस्ट पहले हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च डिजाइन को सेट करते हैं, और रिसर्च डिजाइन में बताया जाता है कि डेटा कलेक्शन कैसे करना है, सैंपल सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है, डेटा कहां कहां से कलेक्ट करना है। तो डेटा कलेक्शन और उसका एनालिसिस, उसको करने से पहले हम लोग जो है वो क्या करते हैं, रिसर्च डिजाइन। तो रिसर्च डिजाइन क्या है, रिसर्च डिजाइन इज ए फ्रेमवर्क है, ये बेसिकली एक ढांचा बताएगा किसके बारे में, फॉर एवरी स्टेज ऑफ द डेटा कलेक्शन, कि डेटा कलेक्शन की हर स्टेज पे कैसे काम करना है, एंड इट्स एनालिसिस, और कैसे कैसे आप डेटा को जो है वो क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। चलो जी आगे, नेक्स्ट, एज द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इज इंक्रीजिंग, अगर मान लो एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू अगर क्या होती है, इंक्रीज होती है, द वैल्यू ऑफ द सेकंड इज ऑल्सो इंक्रीज, और इसके कंपैरिजन में दूसरे की भी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ रहा है, तो ये किस तरह का कोरिलेशन है, आपको मैंने अभी बताया एक बढ़े दूसरा बढ़े या एक कम होने पर दूसरा भी कम हो, तो ये जो कोरिलेशन होता है इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर मान लो ऐसा होता है एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, या एक कम हो रहा है और दूसरा बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं क्या, नेगेटिव कोरिलेशन, क्या बोलेंगे, नेगेटिव। और अगर मान लो एक वेरिएबल के बढ़ने या घटने का दूसरे पे कोई इंपैक्ट ना पड़े तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, जीरो कोरिलेशन, क्या बोलेंगे, जीरो। तो अपने केस में जो 16 क्वेश्चन में दे रखा है वो क्या, कि एक वेरिएबल बढ़ रहा है उससे अगर दूसरा वेरिएबल भी बढ़े तो इसको बोलेंगे क्या, पॉजिटिव। चलो जी,
17th क्वेश्चन है जी आपका होमवर्क, ये क्या है होमवर्क आपको ये करना है। क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, विच फॉर्म ऑफ रीजनिंग, इनमें से कौन सा रीजनिंग का ऐसा फॉर्म है, इज अ प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग ए स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम ए सेट ऑफ प्रीमाइसेस। तो आपको बताना है कौन सी इस तरह की ये बेसिकली जो है अप्रोच है, तो वो आपको जो है बतानी है, कमेंट करना कमेंट बॉक्स के अंदर, तो कल वाली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके हाँ जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इट इज इंपॉर्टेंट डेट द अकेडमिक्स, ये इंपॉर्टेंट है कि अकेडमिक्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, अकेडमिक्स प्रोड्यूस रिसर्च, मतलब अकेडमिकली जो रिसर्च किया गया उससे जो आपको डेटा निकल के आया, लाइक मान लो कोई जर्नल छपा, कुछ भी जो रिसर्च हुई मान लो अकेडमिकली, डेट कैन बी वाइडली यूज एंड वैल्यूड बाय द अकेडमिक कम्युनिटी अराउंड द वर्ल्ड, जिसको जो है वो अकेडमिक कम्युनिटी जो है वो यूज भी करती है। जैसे मतलब एक पर्सन ने अगर मान लो कोई फॉर्मूला जनरेट किया, एक पर्सन ने कोई बुक छापी, तो उसको दूसरे लोग जो है वो भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिटेशन, सिटेशन इंपैक्ट। सिटेशन का मतलब क्या होता है कि दूसरे के काम को अपने यहां इंक्लूड करना और उसका रेफरेंस दे देना, बेसिकली का हवाला दे देना, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, citation impact। मैंने लिखा भी है ये citation impact जो है वो quantify करता है the citation uses। citation का मतलब क्या होता है, पेश करना basically, ठीक है, cite करना, पेश करना। citation usage of the scholarly work, it is a result of citation analysis and bibliometrics। among the measures that have emerged from citation analysis are the citation counts for an individual article and author or the academic जर्नल। तो दूसरे पर्सन का कोई काम है उसको अपनी रिसर्च के अंदर क्या करना, इंक्लूड करना, तो बेसिकली उसको बोलते हैं साइट करना, साइटेशन करना उसको। ओके हाँ जी सर, चलो आगे। द प्रॉब्लम ऑफ द रिसर्चर सीइंग ओनली व्हाट दे, एक ऐसी प्रॉब्लम है रिसर्चर की वो क्या, कि वो सिर्फ उन्हीं चीजों को देखता है व्हाट दे एक्सपेक्ट टू सी, जो उसको जो वो देखना चाहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसका मतलब तो सर वो बायस हो गया, फिर तो वो ऑब्जेक्टिव कहां रहा, वो क्या हो गया, सब्जेक्टिव हो गया। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं हम लोग क्या, रिसर्चर बायस, यहां पे रिसर्चर जो है वो क्या हो जाएगा, बायस हो जाएगा और सिर्फ उन्हीं एस्पेक्ट को देखेगा जिसको वो देखना चाहता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिसर्चर बायस। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का जो है वो है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू इम्पार्ट ट्रेनिंग फॉर SPSS, ए सॉफ्टवेयर पैकेज यूज फॉर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए आपने जो है वो ट्रेनिंग देनी थी कि किस तरीके से आप SPSS का जो सॉफ्टवेयर है उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करवाएंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे, वर्कशॉप करेंगे, क्या करेंगे, तो ये जो SPSS का जो सॉफ्टवेयर है इसकी ट्रेनिंग जो है वो क्या है, प्रैक्टिकल वर्क, और प्रैक्टिकल वर्क के लिए की जाती है क्या, वर्कशॉप, क्या की जाएगी, वर्कशॉप। ओके हाँ जी सर, तो ये हो गए जी हमारे आज के क्वेश्चन। कल हम लोगों ने जो क्वेश्चन सीरीज करी थी उसके अंदर हमने एक क्वेश्चन आपको दिया था, और वो क्वेश्चन था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 13। मेजोरिटी बच्चों का जो है वो आंसर आया एकदम करेक्ट, आंसर एकदम करेक्ट क्या था, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोलते हैं द बिहेवियर, एक ऐसा बिहेवियर डेट इज मेजर, जिसको मेजर किया जाएगा, जिसको मेजर, डेट इज मेजर्ड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के टाइम पे जिसको मेजर किया जा रहा है इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, दोबारा सुनना, एक बिहेवियर, एक ऐसा बिहेवियर जिसको मेजर किया जाएगा। हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, एक होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, हाँ जी, इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो है हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं या इसमें मैनिपुलेशन करते हैं, हाँ जी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करने से इसका हम लोग जो है वो इंपैक्ट चेक करते हैं, किस में इंपैक्ट चेक करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल में, किस में, डिपेंडेंट वेरिएबल में, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ये क्या है, ये क्या है, किस पे इंपैक्ट चेक किया जा रहा है, किस चीज को मेजर किया जा रहा है, क्या इंडिपेंडेंट को मेजर किया जा रहा है, नहीं सर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करने का इंपैक्ट चेक किया जा रहा है दूसरे वेरिएबल में, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है क्या, सी, बोलो तो डिपेंडेंट वेरिएबल। मेजोरिटी बच्चों का जो है वो आंसर जो है वो क्या आया, सही आया। तो ये है कल के जिन्होंने आंसर जो है वो सही किया, सुचित्रा, मनोज और निधि, लवलीन, मीनू जाखड़, ये सब स्टूडेंट्स हैं जिनका आंसर जो एकदम सही है, श्री लक्ष्मी और पूनम, कोमल और पूजा, अंजू, अंजू सारन, हीना दीमान और धृति गांधी, शीला, योगिता, सबका मेजोरिटी जो है, मैं बात अगर करूं सबका आंसर जो है वो एकदम करेक्ट है। एक अदा है कोई मनोज साहू ओडिशा, इन्होंने ये बोले क्वेश्चन 13D, अरे पहले आपने सही, ये शायद कोई और होंगे, डी नहीं है सर, सी आएगा इसका आंसर जो है वो सी है। एक ये रिया दे, इनका जो है वो ये आंसर गलत है, 13 का ए है,
ठीक है, ए इन्होंने ए बताया है जबकि 13 का है सी। बाकी अगर मैं बात करता हूँ सबका जो है सबका वो सी है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आज वाले क्वेश्चन को रिवाइज कीजिएगा और जो आज मैंने आपको एक होमवर्क दिया है उसको जो है वो आराम से आप सोचेंगे, देन उसको जो है वो आपको क्या करना है, रिप्लाई करना है कमेंट बॉक्स पे। ओके, हाँ जी सर, चलो जी ये होगी अपनी आज की क्वेश्चन सीरीज। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो अच्छा अच्छा कमेंट भी कीजिएगा, आंसर के साथ में आंसर जरूर कमेंट करना है, ठीक है ना, और अगर कोई कमी लगी है तो वो भी बताइएगा, उसको आप सही करेंगे। ओके, हाँ जी सर, और अगर आप लोग जो है वो अभी आने वाले एनटी नेट का जो पेपर होना है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि हम लोगों ने ऑनलाइन बैच शुरू किया हुआ है, तो अगर आप चाहते हैं हमारा ऑनलाइन बैच लेना तो आप वो ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको मिलेगी सारी वीडियोस, सारा कंटेंट जो है हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे, प्लस में आपको मिलेगा सारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में आपके होम एड्रेस पे, लॉकडाउन खत्म होने के बाद में आपके होम एड्रेस पे डिलीवर करवा दिया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारा बैच भी ले सकते हैं, डेमो के बहुत सारे लेक्चर ऑलरेडी हमने यूट्यूब के ऊपर डाले हुए हैं तो आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं कि कितने बेहतर तरीके से हम लोग जो है वो तैयारी करवाते हैं। ओके, हाँ जी सर, चलो ये कीजिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, बोल तो कल, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ में, थैंक यू वेरी मच।